सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। जगदीश टाइटलर खिलाफ दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने दिता धरना। टाइटलर की अगाऊ जमानत का किया विरोध। नूह हिंसा का मामला, हरियाणा सरकार की दंगाकारियां ते वड्डी कार्रवाई। रोहिंग्या बस्ती चले बुलडोजर। मणिपुर च मुड़ भड़की हिंसा, मेतेई भाईचारे के तीन लोगों की मौत। कुकी भाईचारे के कई घर किए गए अग के हवाले। कुछ लोगों से की गई सी गोलीबारी। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां ने 1984 के सिख विरोधी दंगियां के मामले नूं लैके कांग्रेसी आगू जगदीश टाइटलर खिलाफ दिल्ली की राउज एवन्यू अदालत के बाहर धरना दिता। इस दौरान अदालत के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां ते दिल्ली पुलिस विचकार मामूली झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणां करके कोर्ट रूम के एंट्री गेट नूं बंद कर दिता। अज रोस प्रदर्शन किया जा रहा उन्होंने दंगा पीड़ित परिवारों तो और सारे भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर, क्योंकि बहुत वड्डी लड़ाई पिछले 39 साल तो असं लड़ते आए हैं, मगर अज जिस तरीके दे नाल उन्हें समन कॉल किया गया सी, समन कॉल करके उसकी बेल बॉन्ड नूं एक्सैप्ट किया गया और 11 तरीक की डेट दी है। असी अज ये रोस प्रदर्शन कोर्ट के सामने किया, क्योंकि CBI नूं पता चल जाए कि अज भी कौम सुती नहीं हुई है और अपना इंसाफ लैन लई अज समुची कौम फिर भी इकट्ठी है। और अगली बार अगर ये 11 तरीक तक ये उत्ते स्टे नहीं लेगा तो CBI के दफ्तर के बाहर धरना होएगा। जे उस पर भी सुनवाई नहीं होगी तो असी पार्लीमेंट के बाहर भी जान नूं गुरेज नहीं करांगे। अपने भरावां लई, अपनियां भैणां लई, जिहड़ियां 39 साल तो अपने आप के उत्ते एक नाम लिखवा के चल रही है विधवा का, वो कलोनी के रहती है जिते विधवा कलोनी कहा जाता, जिन्हों उन्होंने आज इंसाफ दवाना हर सिख का फर्ज बनता है। सो मैं समुची कौम भी बेनती करांगा कि सारे इकट्ठे होइए, इस लड़ाई में लड़िए और अपनी भैणावान और बच्चों आप इंसाफ दवाइए, जेडे 39 साल तो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने नूह हिंसा तो बाद दंगाकारियों खिलाफ वड्डी कार्रवाई की है। प्रशासन ने नूह च वड्डी गिनती च रह रहे नजायज घुसपैठियों दी झुग्गियां ते बुलडोजर चला दिता है। दूजे पासे ब्रिज मंडल यात्रा दौरान नूह च हुई हिंसा दौरान छुट्टी ते गए नूह दे SP वरुण सिंगला दा राज सरकार ने देर रात तबादला भिवानी कर दिता। उन्होंने थान ते नरेंद्र बिजरानिया नूं नूह SP का काम सौंपया गया। बिजरानिया पहला भिवानी के SP स्थान पलवल च मामूली घटनावां नूं छड्ड के कोई वड्डी घटना सामने नहीं आई है। प्रशासन के हुक्मां की पालना करते हुए जिले में मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने अपने घरों में जुम्मे की नमाज अदा की। कुछ लोग मस्जिदों में भी नमाज पढ़न गए पर उन्होंने गिनती घट रही। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जलंधर की 110 एकड़ स्कीम के नाल लगते इलाके विच पिछले कई सालों तो बने लतीफपुरा मोहल्ला संबंधी मामला एक बार फिर पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट च पहुंच गया, जिथे इस मामले विच पटीशन दायर कर दी गई। सोन सिंह ते होर पटीशनकर्तावां ने हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट RS बजाज ते एडवोकेट सिदकजीत सिंह बजाज जरिए दायर की पटीशन च तर्क दिता है कि अदालती हुक्मां तो बाद 9 सितंबर 2022 नूं लतीफपुरा के कब्जियां ते जिहड़ा एक्शन होया उसका कोई लाभ पटीशनकर्तावां नूं नहीं होया, क्योंकि डेगे गए कब्जियां का सारा मलबा भी उत्थे पिया ते जिहड़ी सड़क पहलां 50% चल रही सी हुण उह 100% बंद हो चुकी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विच बारिश हुई है, जिस नाल उद्दम भरे मौसम तो राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने घट्टो घट तापमान 25.2 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया। IMD ने दिन च दिल्ली के आसमान च बदल छाए रहन ते मीह पैण दा अनुमान जताया। विभाग का कहना है कि दिन च शहर का वध तो वध तापमान 34 डिग्री सैल्सियस के आले दुआले रह सकता है। IMD मुताबिक दिल्ली च 24 घंटिया के समय विच 54 मिलीमीटर मीह दर्ज किया गया। विभाग ने दस्सिया कि राष्ट्रीय राजधानी च सवेरे विजिबिलिटी
100 फीसदी दर्ज की गई सी। दिल्ली समेत नोएडा गाजियाबाद आदि च मीह कारण कई इलाकों पानी भरन की समस्या भी पैदा हुई है। बदरपुर च मीह कारण मैट्रो स्टेशन के हेठा पानी भर गया, इस कारण इथों आन जाण वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पै रहा। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़ गई है। बिश्नुपुर जिले च हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्टा मुताबिक मृतक कवाकटा इलाके के मितई भाईचारे तो ने हिंसे दीयां घटनावां विच कुकी भाईचारे दे कई घर साड़ दिते गए ने। पुलिस सूत्रों मुताबिक कुछ लोग बफर जोन पार करके मितई इलाके विच आए तो उन्हां ते गोलीबारी की गई। बिश्नुपुर जिले के कवाकटा इलाके तो 2 किलोमीटर तो अगे तक केंद्रीय बलों ने बफर जोन बनाया। इस तों पहलां देर शाम नूं बिश्नुपुर च कई थावां ते गोलीबारी मगरों हालात तनावपूर्ण बन गए सन। बेकाबू भीड़ की सुरक्षा दस्तियां नाल भी झड़प हुई है। मणिपुर पुलिस ने दस्सिया कि सुरक्षा दस्तियां ने 7 गैर कानूनी बंकरां नूं नष्ट कर दिता है। जलंधर च सतलुज दरिया च पानी के तेज बहा कारण टुटे धूसी बन का काम मुकम्मल हो गया। राज्यसभा मैंबर संत बलवीर सिंह सिंचेवाल ते पंजाब भर तो आईया संगतां ने 18 दिनों में करीब 950 फुट का पाड़ भरिया। बन की मजबूती लई मिट्टी दीयां बोरियां नूं लोहे दीयां तारां दे जाल विच बन्न दिता गया। देर रात डैम का काम मुकम्मल होण ते फुलां दी वर्खा की गई। इस उपरंत संत सिंचेवाल की अगवाई हेठ डैम विखे वाहिगुरू का शुकराना किया गया। संत सिंचेवाल ने बन ते ही सत्संग किया ते बन दे मुकम्मल होण ते संगतां समेत परमात्मा का शुकराना किया ते सरबत दे भले दी अरदास कीती। मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों मोदी सर ने मानहानि मामले विच राहुल गांधी नूं दित्ती गई राहत तो बाद कांग्रेस पार्टी विच खुशी का माहौल है। कोर्ट वालों राहुल गांधी नूं सुनाई गई सजा के फैसले ते भी रोक लगा दी गई है, जिसकी खुशी विच फरीदकोट विखे कांग्रेसी वर्करां विच खुशी की लहर पाई गई, जिन्हां वालों खुशी विच लड्डू वंडे गए। नाल ही कांग्रेसी आगुआं ने आप नाल गठजोड़ की गल का भी खंडन किया। पंजाब के जिला फिरोजपुर के पिंड चुगे केसर सिंह वाला की रहने वाली एक ब्यौता लड़की ने सहुरे परिवार वालों तो तंग आ के सहुरे घर की कंध से ही खुदकुशी नोट लिख के खुदकुशी कर ली है। मृतकों के पेके परिवार ने जानकारी दें दस्सिया है कि मृतक शिंदर कौर का विआह 10 साल पहला कुलविंदर सिंह दे नाल होया सी ते उसका पति ते दियोर उसकी कुटमार कर उसनू तंग परेशान घरों कढ़ दिंदे सन, परंतु मृतक लड़की की माता ने उसनू समझा के दोबारा सहुरे भेज दिता सी, पर हुण उसने दुखी होकर खुदकुशी कर ली है। मृतका दे पेके परिवार ने लड़की दे सहुरे परिवार खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पिछले कुछ दिनों तो स्थानक इलाके विखे बनिया ब्रेव कैप्टन मनजिंदर सिंह पिंड स्टेडियम मेहता नंगल भी नशेड़ियां दा अड्डा बनता जा रहा है, जिथे वड्डी गिनती च नशेड़ी अपनी नशे की लत ही पूरी नहीं कर रहे, सगो स्टेडियम अंदर लोहे का समान भी चोरी करके बेच रहे ने। स्टेडियम नूं नुकसान पहुंचा रहे ने। इत्थे ही बसनी है सब दा स्टेडियम च खेडण लई आउंदे नौजवानां ते बच्चियां ते भी माड़ा असर पै रहा है। इस संबंधी जानकारी दिंदे होए रंधावा स्पोर्ट्स एंड वैलफेयर क्लब के प्रधान आत्मवीर सिंह रंधावा ने दस्सिया कि इस स्टेडियम ने अंतरराष्ट्रीय पद्धर खिडारी पैदा किए ने। अज भी 250 तो 300 के करीब बच्चे ते नौजवान हर रोज इतने आके वख वख तरह की खेडां च भाग लेंदे ने, जो उन्हां दी रोजाना की जिंदगी का एक निखणवां हिस्सा बन चुके हैं। पर पिछले समय दौरान स्टेडियम अंदर नशेड़ियां की गिनती बढ़ रही है ते क्लब के अहुदेदारां ते मैंबरां ने प्रशासन अगे अपील करदे कहा कि वह स्टेडियम की अहमियत नूं बरकरार रखण लई इस पासे ध्यान देण ते पुलिस गश्त करदे हुए इस पासे आने वाले नशेड़ियां नूं नत्त पाउण। मानसा जिले नूं नशा मुक्त करने लिए SSP डॉक्टर नानक सिंह की अगवाई हेठ पुलिस वालों नशा तस्करां के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उत्थी आम लोगों नूं नशियां के माड़े प्रभावों बारे जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलदे थाणा सिटी बुढलाडा मुखी भुपिंदरजीत सिंह वालों गुरतेग बहादुर स्टेडियम विखे आम लोगों नूं नशियां खिलाफ जागरूक किया गया। थाणा मुखी भुपिंदरजीत सिंह ने स्टेडियम विच प्रैक्टिस कर रहे नौजवानों ते आम लोगों नूं संबोधन करदे कहा कि पुलिस वालों नशियां के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है ते आम लोगों नूं भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अज्ज दी नौजवान पीढ़ी नशियां तो दूर करके खेडां वल प्रेरित करना समय की लोड़ है। उन्होंने नौजवानों को अपील की कि नशियां तो पासा वट के खेडां नाल जुड़न ते अपना भविख उज्जवल बनाउण।
सूबे दीआं पंज किसान जथेबंदियां वल्लों पंजाब दे मुद्दिआं नूं लै के गुरद्वारा अंब साहिब मोहाली विखे हो रही मीटिंग में शमूलियत करन लई जिला गुरदासपुर तों भारतीय किसान यूनियन राजेवाल दे जिला प्रधान पलविंदर सिंह मठौला दी अगवाई हेठ एक दर्जन बसां च सैकड़ियां दी गिनती विच किसानां मजदूरां दा काफला रैली लई रवाना होया। इस मौके मीडिया नाल गल करदिआं जिला प्रधान परविंदर सिंह मठौला ने आखिया कि सैकड़ियां दी गिनती विच किसानां मजदूरां दा काफला रैली लई रवाना कीता गया। रवाना होण तों पहलां किसानां ते मजदूरां वल्लों केंद्र ते सूबा सरकार विरुद्ध नारेबाजी कीती गई। सौण दे महीने नूं मुख रखदे होए केंद्री जेल गुरदासपुर विच तियां दा तिहार मनाया गया। जेल प्रशासन वल्लों जेल विच बंद महिला बंदियां लई जेल दे औरतां दे ब्लाक विच विशेष तौर ते तियां दा तिहार मनाया गया, जिस विच महिलावां ने पूरे उत्साह नाल भाग लिया। तियां दे इस तिहार विच जिला ते सैशन जज रजिंदर अग्रवाल ते उहनां दी धर्मपत्नी रीना अग्रवाल ने खास तौर ते शिरकत कीती। तियां दे तिहार मौके रंग बिरंगे पंजाबी पहरावे विच सजियां महिलावां ने गिद्धे ते लोक गीतां जरिए अपने मनोभावां ते खुशी दे पल दा इजहार कीता। औरतां समेत छोटे बच्चों की गिद्धे की पेशकारी बाकमाल से। केंद्रीय जेल में बंद महिलावां ते जेल प्रशासन नूं तियां दी मुबारकबाद देते हुए जिला ते सैशन जज रजिंदर अग्रवाल ने कहा कि तियां दे त्यौहार दा इह उपराला बेहद शलाघायोग है। टांडा अड़मड़ महिला क्लब टांडा वालों सौन महीने की रवायती तीज का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया गया। चेयरपर्सन इंदू नागरत ते सेवा मुक्त प्रिंसीपल परविंदर सैनी की अगवाई विच होए समागम दौरान रवायती पहरावे विच सजियां औरतां ने एक दूजे नाल खुशी सांझी की। इस दौरान औरतां ने सौन के महीने विच बनाए गए रवायती पकवानों का भी आनंद लिया। वख-वख मनोरंजक खेडां दे नाल नाल बीबियां ने पंजाबी सभ्याचारक गीतां ते नच के आनंद माणिया। इस मौके मैडम परविंदर सैनी ते इंदू नागरत ने तीज त्यौहार नाल जुड़े इतिहास ते परंपरावां बारे जानकारी सांझी की। नंबरदार यूनियन फाजिलका वालों वधीक डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार की अगवाई हेठ हड़ प्रभावित पिंडां नूं पशुआं दे हरे चारे दीआं दो ट्रालियां जिला प्रबंधकी कंपलैक्स तों रवाना कीतीआं गईआं। इस मौके नंबरदार यूनियन दे पंजाब मीत प्रधान पूरन सिंह, जिला प्रधान बलवंत सिंह ते फाजिलका जिला मीत प्रधान हरजीत सिंह शहरी ने दस्सिया कि पंजाब विच आए कुदरत दे कहर कारण वख-वख इलाकिआं विच भारी नुकसान होया, जिस कारण उकत पिंडां दे पशु पालकां नूं पशुआं लई चारे दा प्रबंध करना बेहद औखा है, जिस नूं देखदे होए यूनियन वालों हड़ प्रभावित पिंडां विच ज़ुबान पशुआं लई हरे चारे दीआं दो ट्रालियां रवाना कीतीआं गईआं ने। सब डिवीजन जलालाबाद दे डीएसपी अतुल सोनी दे तबादले तो बाद डीएसपी एआर शर्मा वालों जलालाबाद च अपना अहुदा संभाल लिया गया। इस मौके पत्रकारों नाल गल करदे हुए डीएसपी जलालाबाद एआर शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा लिए पूरी तरह नाल मुस्तैद ते समाज विरोधी अंसरां नूं किसी कीमत ते बख्शिया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब च नशियां दा खात्मा करना पंजाब पुलिस की पहली प्राथमिकता है ते जलालाबाद पुलिस वालों पूरे इलाके विच इस संबंधी विशेष मुहिम चलाई जाएगी ते नशे दे सौदागरां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। नेत्रदान एक महादान है जिस नाल व्यक्तियां दी जिंदगी रोशन हुंदी है। इस संबंधी जानकारी दिंदे डॉक्टर कमर कुमार सैनी सीनियर मेडिकल अफसर सीएचसी टांडा ने दस्सिया कि सरकार वालों 25 अगस्त तो 8 सितंबर तक पंद्रवाड़ा मनाया जाएगा, जिस दौरान लोगों नूं अखां दान ते अंग दान करन लई प्रेरिया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि सिविल सर्जन डॉक्टर बलविंदर कुमार दे आदेशां ते नेत्रदान संस्था हुशियारपुर दे सहयोग नाल इस पंद्रवाड़े दौरान वख-वख थावां ते सैमीनार मार्च रैलियां ते मीटिंग हाल दा आयोजन होवेगा। इस मौके साबका डिप्टी डायरैक्टर सेहत विभाग डॉक्टर केवल सिंह ने लोगों को वध तो वध अखां दान करने लिए फार्म भरन की अपील की। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल।
इस नाली खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।